मॉर्निंग एवरीबडी, वेलकम टू यू ऑन शिवरावत चेन ऑफ लाइफ। एंड आई एम श्योर आप शिवरावत संडे मोटिवेशन को भी सब्सक्राइब कर रहे होंगे। दो चैनल मैं चलाता हूँ बेसिकली, एक चेन ऑफ लाइफ एंड एक है संडे मोटिवेशन। चेन ऑफ लाइफ जो है वो डेली ब्लॉगिंग के चैनल है मेरे बेसिकली, और उसमें करीब 300 वीडियो मोटिवेशन के भी और लर्निंग के भी मैंने डाले हुए थे। उसके बाद मैंने ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया था। और संडे मोटिवेशन जो है वो पर्टिकुलरली लर्निंग, कोचिंग, गाइडिंग, मेंटरशिप वगैरह से रिलेटेड है, जिसमें हर संडे 8 बजे सुबह वीडियो आते हैं और शिवरावत चेन ऑफ लाइफ में एवरी इवनिंग 8 PM वीडियो आते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा इसलिए खास है क्योंकि ऑलमोस्ट आज मेरी महिंद्रा XUV300 को 3 महीने हो चुके हैं और 3 महीने का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 3 महीने होने के बाद भी ऐसा नहीं लगता है कि अभी मन भर गया है, क्योंकि गाड़ी ही ऐसी है और अलग अलग चॉइस है। इनफैक्ट हम किसी की चॉइस को फोर्स नहीं करते, बट आई शेयर माई एक्सपीरियंस बिकॉज आई एम ए व्लॉगर, सो आई थॉट टू शेयर माई एक्सपीरियंस कि मेरे को ये गाड़ी क्यों अच्छी लगी और कैसे अच्छी लगी। हालांकि मैंने शायद पहले भी बताया है, मेरी चॉइस थी थोड़ी महिंद्रा थार की तरफ, लेकिन महिंद्रा थार का मैंने इसलिए डिसाइड नहीं किया था क्योंकि महिंद्रा थार एडवेंचरस कार है। इनफैक्ट वो आपके डेली ऑफिस रूटीन वगैरह उसमें फिट नहीं बैठती है, तो इसलिए मैंने उसको ड्रॉप किया था। और कहीं ना कहीं XUV300 गिनती में नहीं थी, लेकिन जिस दिन मैं शोरूम गया था देखने के लिए तो वहां पे मेरे को XUV300 भी दिखी थी। हालांकि हम गए थे 700 के लिए, बट वहां 300 भी दिखी। तो 300 दिखने के बाद मेरा बैठ के उसमें हमने देखा कि कैसी है गाड़ी, क्या है, एवरीथिंग वी हैव अंडरस्टूड। एंड उसके बाद क्या होगा कि जहां पे मैं टर्न ले रहा था वहां पे कैमरा बंद हो गया और मैं बोलता जा रहा था, कुछ नहीं था। एनीवे, सो मैं ये कह रहा था कि जब हम घर गए, घर जाने के बाद फिर मैंने XUV300 की वीडियोस देखे कि कैसा उसका प्रेजेंस है, क्या गाड़ी है, क्या है क्या नहीं है। और काफी वीडियो देखने के बाद आई डिसाइडेड नहीं यार इसी पे जाना है, क्योंकि आई ऑलवेज लाइक स्मॉल कार, तो स्मॉल कार का ही फील आ रहा था, मजबूती, इम्पैक्ट थी। बट आज के डेट में जब हम देखते हैं कि नॉर्मली लोग हम फीचर्स के ऊपर जाते हैं, और अगर मैं XUV300 की बात करूं तो इसके फीचर्स एज सच जो और कंपनी और गाड़ीज में आते हैं, चाहे वो किया का बोलो चाहे कोई भी गाड़ी बोलो, उसमें काफी फीचर्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपको ये डिसाइड करना है कि आपको फीचर्स के पीछे भागना है या आपकी चॉइस क्या है। और आज के डेट में फीचर्स का मतलब क्या है, यू विल गेट लॉट ऑफ थिंग्स राइट। फीचर्स लाइक मैं कल आईफोन के कुछ अपडेट्स आए थे, आईफोन के अपडेट्स को मैं देख रहा था, तो उसमें काफी फीचर्स ऐसे आए हैं कि मैं चेक कर रहा था कि क्या क्या फीचर्स उसमें आए हैं, काफी अपग्रेडेशन उसमें हुई है। तो उस अपग्रेडेशन को देखने के बाद मैंने मुश्किल से एक फीचर उसका लिया, हालांकि जानकारी मिल गई कि क्या क्या फीचर्स है, लेकिन उसमें से एक ही फीचर मैंने उसको उठाया और वो अभी मैं फिलहाल यूज कर रहा हूँ, जिसमें समराइज हो जाती है सारे नोटिफिकेशन को। तो कहने का ये बात है कि आपके पास फीचर्स तो हैं, बट व्हाट इज द यूज बेसिकली। एंड व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट लाइक दिस, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आप करने वाले हो जहाँ पे 15-20 लाख रुपए आप खर्च करते हो, तो उस इन्वेस्टमेंट को भी आपको देखना पड़ता है कि ये इन्वेस्टमेंट के लिए इतना पैसा डालना जरूरी है या नहीं। सो वही सोचते हुए मैंने डिसाइड किया था। प्लस उसके अलावा मैंने ये भी देखा था कि मेरे को रिक्वायरमेंट क्या है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसकी रिक्वायरमेंट मेरी सेफ्टी की थी, तो सेफ्टी की रिक्वायरमेंट को मैंने ध्यान में रखते हुए लिया था। आज 3 महीने हो चुके हैं इसको मोर ऑर लेस, तो आई थॉट कि आपके साथ एक वीडियो जरूर शेयर किया जाए। इससे पहले भी मैंने इसके बारे में काफी बात करी है। तो 3 महीने के बाद भी मेरे को कभी इसमें ऐसा एहसास नहीं हुआ कि यार ये पुरानी हो गई गाड़ी या मैं इसमें नहीं बैठूं, या मतलब एक फीलिंग आ जाती है ना। बट इसमें जब भी जाओ, मैं बीच में 2-3 दिन नहीं था, तो आने के बाद मेरे को लगा यार कब मैं अपनी गाड़ी चलाऊंगा, तो वो फीलिंग आपकी हमेशा रहती है इसमें, क्योंकि कॉम्पैक्ट XUV। और प्लस इसमें आप देखोगे मैंने इसका एक जो फीचर है ये इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब पहले मैं सोच रहा था सनरूफ का एक्चुअली यूज़ किया, लेकिन जब मैं गांव गया था तो सनरूफ को मैंने काफ़ी यूज़ किया था, क्योंकि वहाँ पे एयर क्वालिटी बहुत बढ़िया रहती थी। इसको खोल दो, खिड़कियाँ खोल दो, तो एकदम लाइट आता। और अभी भी मैं सनरूफ जब यूज़ करता हूँ, तो मैं जब व्लॉगिंग करता हूँ तो उसके लिए यूज़ करता हूँ। उसमें आप देखोगे विजिबिलिटी, क्लैरिटी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो इसका एम्बियंस भी जो है ना बहुत जबरदस्त लगता है, एकदम खुला लगता है, उजाला उजाला लगता है। और वैसे भी वाइट कलर है गाड़ी का, तो वाइट कलर में गाड़ी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है और वीडियो में भी काफ़ी खूबसूरत लगती है। तो मैंने इससे अभी तक 2
ट्रिप मारे, एक शिरडी का लगाया था मैंने जो 400-500 किलोमीटर का अप एंड डाउन हुआ था। उसके बाद मैं मुंबई उत्तराखंड गया इस गाड़ी को लेके, और यकीन माने या ना माने जो XUV300 चलाते हैं, आई एम श्योर सबकी राय शायद एक जैसी ना हो लेकिन अलग अलग तो रहेगी, लेकिन अधिकतर लोगों की राय ये जरूर होगी कि इस गाड़ी को चलाने का मजा ही अलग है, क्योंकि कॉम्पैक्ट XUV है बॉस, कुछ भी बोलो आप, कॉम्पैक्ट XUV है और उसका चलाने का मजा ही अलग है। रोड की जो प्रेजेंस है उसकी, रोड में जो उसकी मजबूती है, रोड में जो चलती है। सो जो मैंने पहला उत्तराखंड का ट्रिप मारा था उसमें जो समय मेरे को लगा था, और जो दूसरा मैंने उत्तराखंड का ट्रिप मारा उसमें जो समय लगा है, दोनों में काफी गैप था, क्योंकि गैप इन द सेंस उसमें कम समय लगा इसमें, और उसमें मेरे को थोड़ा ज्यादा समय लगा। अभी हो सकता है इसके टायरों की वजह से लगा हो या किसकी वजह से लगा हो, लेकिन इसमें मेरे को कम समय लगा। थकान तो ना के बराबर ही थी, क्योंकि नेक्स्ट डे मैं एम्बे वैली चला गया था, और इसका एक और ट्रिप मैंने एम्बे वैली को 303 किलोमीटर का भी मैंने किया था, जिसमें अप एंड डाउन में काफी गाड़ी हमने चलाई, और वहां पे भी काफी लोगों ने मेरी गाड़ी चलाई थी, तो उनको गाड़ी में बैठने के बाद दे ऑल्सो लाइक्ड इट कि कैसी गाड़ी है। तो 3 महीने हो गए जैसा मैंने बोला, 3 महीने का एक्सपीरियंस था, सोचा आपके साथ शेयर करूं, पर अभी भी ऐसे कई फीचर्स हैं जो मैंने इसमें अभी तक एक्सप्लोर किए ही नहीं है, और वो एक्सप्लोर मैं करूंगा। अभी आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द रेन, क्योंकि मुंबई में आपको पता है काफी रेन होती है, और रेन का मैं वेट कर रहा हूँ कि रेन कब आए। रेन आने के बाद इस सनरूफ का जो इस्तेमाल है वो जबरदस्त होने वाला है, एक अलग ही क्वालिटी आएगा। प्लस मैंने इसमें रेन वाइजर लगाए थे, उसका भी एक पता चलेगा, क्योंकि इससे पहले जितनी भी गाड़ियां मैंने ली हैं उनमें कभी भी मैंने रेन वाइजर वगैरह लगाया नहीं, कोई कॉस्मेटिक एक्सेसरीज भी नहीं लगाई थी, तो ये मैंने एक इस बार लगवाए हैं कि देखने के लिए कि क्या इसका बेनिफिट होता है। और मैं अभी कुछ दिन पहले कार शोरूम में गया था, कार शोरूम में दरअसल जो कार एक्सेसरीज के हैं वहाँ पे गया था, तो उसको मैंने बोला कि साइड में जो क्लिप्स लगती हैं जो गार्ड करती हैं आपको दरवाजे को, तो मैंने लगवाई, और ये एक वीडियो हैंडलर मैंने लगाया है, मोबाइल हैंडलर। वो लगाने के बाद मैंने उसको पूछा यार और कुछ इसमें लगता है, बोला सर लाइटिंग होती है, लाइटिंग मुझे पसंद नहीं, वो मैंने मना कर दिया। एंड उसके बाद बोला सर आपकी गाड़ी तो फुली लोडेड है तो इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो मैंने कहा चलो ये भी एक सही चीज़ है कि ज़्यादा एक्सेसरीज भी क्या लगानी है, लेकिन यस जिस चीज़ को आप रखते हो अपने पास उसको मेनटेन करो, वही एक सबसे बड़ी बात है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, मोबाइल हो, फोन हो, घर हो, मैं नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर रहा हूँ, अगर वो सारी चीज़ों को आप मेंटेन करते हो तो ऑब्वियस ही बात है चीज़ें आपका साथ देती हैं। सिमिलरली लाइफ में भी ऐसे ही होता है। सो अभी तक तो मेरी जर्नी इसके साथ में अच्छी रही है, और बीच में शायद हम एक आध ट्रिप लगाएंगे इसमें बरसात में, बरसात में पानी जब भरता है उस टाइम का भी इसका एक्सपीरियंस ज़रूर लेंगे कि क्या है क्या नहीं है। काफ़ी लोग मेरे को पूछते हैं, काफ़ी लोग के बारे में इसकी राय अलग अलग है, सो एज आई सेड ये मेरी राय है, मुझे जो लगा वो मैंने शेयर किया। कुछ जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जैसे मैंने बताया कि सारे फीचर्स अगर आप कंपेयर करने जाओगे दूसरी गाड़ी के साथ में तो फीचर्स अलग हैं, इसके फीचर्स अलग है, दोनों में डिफरेंस है। मैंने जब लिया था तो मैंने सिक्योरिटी फीचर्स को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी थी, मजबूती को ज़्यादा प्राथमिकता दी थी, तो जिसके चलते मेरे को ईजी रह गया, बिकॉज मेरी चॉइस लिमिटेड होगी टाटा और महिंद्रा के बीच में, तो उस बेसिस पे मैंने देन इसको चूज किया। हाँ एक चीज़ है, इसका एवरेज कम है, सिटी में इसका एवरेज जो है वो 12-13 का आता है, 13 चल रहा है अभी, और हाईवे पे 17-18 का एवरेज है। गाड़ी के हिसाब से बोलूँगा तो ठीक है, लेकिन जेब के हिसाब से थोड़ा भारी पड़ जाता है, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप डेली गाड़ी चला रहे हैं तो उस बेसिस पे आपका जेब खाली जरूर जाती। बैलेनो में मेरा जो था उसका एवरेज बहुत बढ़िया था, 17-18 सिटी का एवरेज देती थी, और 23-24-25 तक इनफैक्ट मेरे को हाईवे का एक्सपीरियंस उसने दिया है। तो यहाँ पे कुछ कुछ गैप्स हैं, यस इफ यू गिव समथिंग सम प्रेस, यू नो जैसे मैंने सेफ्टी को प्रेजेंस प्राथमिकता ज़्यादा दी, तो सेफ्टी के हिसाब से ऑब्वियस सी बात है मेरी गाड़ी का जो एवरेज है वो कम आना ही आना है। और वहीं मैं दूसरी तरफ फीचर्स को अगर मैं ज़्यादा मान्यता दूँ या ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूँ उस केस में मेरी जो कॉम्प्रोमाइज़ है वो सेफ्टी एंड अदर चीज़ों में हो जाएगी। तो हर किसी को कहते हैं ना एक मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, वैसी वाली कहानी है कि कुछ चीज़ें मिलेंगी कुछ नहीं मिलेंगी, बट यू हैव टू डिसाइड कि कौन सी चीज़ आपको चाहिए। मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि वीडियो कैसा बन रहा है, क्योंकि वीडियो कैमरा मैंने सामने लगा के रखा हुआ और मैं गाड़ी पे अपने रोड पे ध्यान दे रहा हूँ, खाली मुँह से बात कर रहा हूँ, तो ये नहीं पता चला कि ये वीडियो बन रही है या नहीं बन रही, क्योंकि इससे पहले हो चुका है जैसे मैंने बोला कि 2-3 मिनट का मेरा बोलता गया लेकिन वीडियो शूट करने के टाइम पे वीडियो शूट हुआ नहीं।
और कई लोग ये भी सोचेंगे कि ये बार बार मैं एक्सयूवी के वीडियो क्यों ले आता हूँ। इसलिए ले आता हूँ क्योंकि काफी लोग मेरे को पूछते हैं और इस जो एक्सयूवी से रिलेटेड जो मेरे वीडियो हैं वो काफी वायरल हुए हैं। वायरल फॉर मी, वायरल इज 4000 व्यू मेरे वीडियो में, 4000 व्यू आए हैं, इससे ज्यादा व्यू आएंगे तो अलग बात है, लेकिन मैं यहाँ तक मैंने देखा है कि लोग पसंद करते हैं उन वीडियो को, समझना चाहते हैं, लोग गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो उस हिसाब से दे लुक फॉर इट। एंड यूट्यूब भी मेरे उन वीडियोज को रिकमेंड करता है क्योंकि मैं बहुत ही, मैं सोचता हूँ कि मैं न्यूट्रल व्यू देता हूँ, मेरा कोई बायसनेस किसी के साथ नहीं। जब मैंने बेलेनो चलाई थी, मेरा बेलेनो का था, लेकिन तब मैं ब्लॉगिंग नहीं करता था, लेकिन बेलेनो का अगर आज के डेट में आप देखोगे दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट कार वी हैव। बट सेफ्टी अगर आती है तो सेफ्टी में फिर आप सोच ही नहीं सकते। इस गाड़ी के बारे में बूट स्पेस वगैरह की भी बात की लोगों ने, तो अलग अलग सोच है कि बूट स्पेस को आप कैसे देखना चाहते हैं, क्योंकि बूट स्पेस में इट डिपेंड्स, यू नो, बहुत कुछ दिमाग के ऊपर आपके डिपेंड करता है। जैसे मैंने बोला कि आपका दिमाग कहता है कि फीचर्स चाहिए तो आप फीचर्स की तरफ चले जाते हो, आपका दिमाग कहता है कि बूट स्पेस कम है तो क्या हो गया, दो ही लोगों को तो हमको ट्रैवल करना है, तो दैट्स हाउ द थिंग गोज बेसिकली। सो इस व्लॉग को मैं सोचता हूँ कि यहीं बंद करना चाहिए क्योंकि बारिश का हो रहा है मौसम। आई डोंट नो कैसे दिखेगा, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। आई डोंट नो आप देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं, मैंने इसका थोड़ा फ्रंट व्यू लाड़ा है। तो सामने अगर आप देखोगे बादल वगैरह भी हैं, तो आज लगता है मुंबई में बारिश होगी। अगर बारिश होगी तो मैं जरूर उसको शूट करने की कोशिश करूंगा। सो एम्बुलेंस आ रही थी तो एम्बुलेंस को भी रास्ता देना बहुत जरूरी है। नॉर्मली मैंने यहाँ तो देखा ही है, और सिटीज में भी शायद हो रहा होगा कि जब भी कोई एम्बुलेंस पीछे से आती है तो ऑटोमेटिकली गाड़ियाँ अपना एक उसको वे दे देती हैं चलने के लिए, तो मैंने भी वही किया। सो इस व्लॉग को करते हैं यही ख़त्म, इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं कहूँगा इसको, व्लॉग तो नहीं कहूँगा, बट इन्फॉर्मेशन वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आएगा, और बहुत जल्द मैं और वीडियो इस पर लेके आऊँगा। और अदरवाइज डेली व्लॉग के लिए जैसे मैंने बोला शिव रावत चेन ऑफ लाइफ को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। एंड सिमिलरली अगर आपको संडे मोटिवेशंस की वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे संडे मोटिवेशन वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो अपना प्यार बनाते रहिए, अपना सपोर्ट बनाते रहिए, इसी उम्मीद के साथ इस व्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म। बने रहिए मेरे साथ शिव रावत चेन ऑफ लाइफ के साथ।